Hi friends, welcome to our new video, and today we will continue our HTML course. So friends, so far we have done two things to set up the HTML file properly. So far we have done two things to set up the file properly. Number one, declared to the web browser that your code is HTML, with brackets doc type. Doc type HTML. And number second, we added the HTML element, HTML in the opening tag that will contain the rest of your code. So friends, अभी तक हमने दो things जो हैं वो अपनी देखी हैं. सबसे पहले तो हम लोगों ने declaration to the web browser, यानी कि declaration को देखा हम लोगों ने HTML document में, जो हम HTML code में जो हम लिखते हैं declaration, जो कि bracket doc type HTML. and second thing हम लोगों ने देखी है कि HTML elements, यानी कि opening tag जो होता है HTML elements का, और इस HTML tag में, जैसे कि मैं पहले भी discuss कर चुका हूँ इसको, कि हम इस HTML tag में हम अपना सारा जो कोड होता है वो उसके अंदर हम लिखते हैं. सो अभी तक हम लोगों ने ये दो चीज़ें देखी हैं. We have added these elements to our page. Now let's give our web browser some more information about the page itself. And so we can do this by adding a head element, यानी कि opening tag में head इस तरीके से element. So friends, we have added these two elements to our page, यानी कि हम लोगों ने declaration और HTML को opening tag जो है इसको अभी तक हम लोगों ने जो है देखा है अपने elements में. So now let's give our browser some more information about the page itself. So we can do this by adding a head element, यानी कि इसके बाद फिर हम head element पे हम अपने browser को जो है information provide करेंगे, और head का जो element है उसको हम define करेंगे अपने पेज में. Remember the body tag. The head element is part of this HTML metaphor. It goes above our body element. आप लोगों को बॉडी टैग याद होगा, जब लोगों ने लास्ट टाइम बॉडी टैग को डिफाइन किया था,
अपने अगर आप कुछ हमारे बैक की वीडियोस अगर आप देखेंगे, हम लोगों ने बॉडी टाइप में हम लोगों ने उसको डिफाइन किया था एंड उसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी। सो हमारा जो हेड का जो एलिमेंट है वो जो है इस एलिमेंट मेटाफोर का एक पार्ट है, यानी कि बॉडी का एक पार्ट है। और ये हेड का एलिमेंट जैसे कि आप जानते हैं हमारे बॉडी टैग से ऊपर आता है, और बॉडी टैग जैसे कि आप जानते हैं हमारा बॉडी जो है हेड के अंदर डिफाइन होती है। दिस हेड एलिमेंट कंटेन्स द मेटा डेटा फॉर वेब पेज। द हेड एलिमेंट कंटेन्स द मेटा डेटा फॉर वेब पेज। मेटा डेटा इज इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज दैट इज इन डिस्प्लेड डायरेक्टली ऑन द पेज। मेटा डेटा इज इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज दैट इज इन डिस्प्लेड About the page that isn't displayed directly on the web page. Unlike the information inside of the body tag. Unlike the information inside of the body tag. The metadata in the head is information about the page itself. The metadata in the head is information about the page itself. About the page itself. So friends, हमारा जो the head elements contain the metadata for a web page. Head element जो है वो metadata जो है वो कंटेन करता है हमारे वेब पेज में। एंड मेटा डेटा इज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज दैट इज इन डिस्प्लेड डायरेक्टली ऑन द वेब पेज। एंड मेटा डेटा वो होता है, इंफॉर्मेशन होती है पेज के बारे में जो जो है डिस्प्लेड नहीं होती वेब ब्राउजर में या वेब पेज में, डायरेक्टली डिस्प्लेड नहीं होती। सो अनलाइक द इंफॉर्मेशन इन साइड ऑफ द बॉडी टैग द मेटा डेटा इज द हेड इज इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज इटसेल्फ। सो हमारा जो मेटा डेटा होता है हेड में वो इन्फॉर्मेशन होता है पेज इट्सेल्फ, यानी कि अपनी एक इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि ओवरऑल जब आप उसको देखते हैं मेटा डेटा को। सो जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि मेटा डेटा इज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज दैट इज इन डिस्प्लेड डायरेक्टली ऑन द वेब पेज, यानी कि मेटा डेटा वो होता है, वो इन्फॉर्मेशन होती है पेज के बारे में जो कि डायरेक्टली डिस्प्लेड नहीं होती हमारे वेब पेज में। द ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग opening tag and closing tag appears as the first item after your HTML tag appear as the first item after your first HTML tag after your first HTML tag. और जैसे कि आप जानते हैं हेड का ओपनिंग टैग एंड हेड का क्लोजिंग टैग, यानी कि हमारे इस तरह दी ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग अपीयर एज दी फर्स्ट आइटम आफ्टर योर फर्स्ट HTML टैग, यानी कि हमारे पहले आइटम्स होते हैं हमारे HTML टैग के बाद जो है हेड के जो हमारा जो होता है वो फर्स्ट आइटम होता है। टाइटल भी होता है, टाइटल उस हिसाब से जैसे जब हमने एक टाइटल देना होता है, जब हम बॉडी की अगर हम बात करें सो यानी कि हमारा जो पूरे जो कोड की बात करें सो हमारा जो मेन जो टैग होता है हेड का, जिसके अंदर हमारे पूरा फंक्शन पूरा कोड डिफाइन होता है, हेड की बात हो रही है
जैसे कि आज हमारा टॉपिक जो है वो हेड का है, तो HTML उस हिसाब से अगर आप देखें सो हेड जो है हमारा HTML टैग के बाद फर्स्ट आइटम होता है जो कि डिस्प्लेड होता है। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हमारा कंटेंट। आज हम लोगों ने हेड को देखा है, हेड टैग जो है हमारा HTML में, उसकी मैंने आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी, थोड़ा मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसकी यूज़ का, मैंने आपको बताया, देन फिर उसकी मैंने आपको वर्किंग बताई। सो फ्रेंड, ये तो था आज का हमारा कंटेंट। उम्मीद करते हैं कि आज का कंटेंट आपको समझ आया होगा। सो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।